नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अस्थमा क्या होता है और इसका क्या उपचार है। दोस्तों, अस्थमा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो है खुद की इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और जिसके कारण जो है हमारी जो सांस की नली है वो जो है कंस्ट्रिक्ट होने लगती है। थोड़े से भी डस्ट के एक्सपोजर से, थोड़े से भी जो है ठंड के एक्सपोजर से जो है कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, जिसके कारण से सांस लेने में समस्या होने लगती है। तो दोस्तों, ये था बिल्कुल सरल जो है सरल तरीके से आपको समझाया कि अस्थमा होता क्या है और अब इसके कारण क्या होते हैं। कारण ये होते हैं कि बहुत ही लंबे समय से जो है सप्रेसिव ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना। एक्चुअली देखा ये जाता है कि जो भी अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनकी हिस्ट्री में जो है बार बार सर्दी जुखाम इस प्रकार की समस्याएं होती हैं और बार बार जो है एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिसिंस के सेवन से जो है बाद में जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो मोस्टली ये देखा जाता है कि अस्थमैटिक पेशेंट्स को जो है स्टेरॉयड मेडिसिंस जो हैं दी जाती हैं, बट ये कुछ समय बाद जो है हमारी बॉडी इसके प्रति रेसिस्टेंट हो जाती है और ये भी काम करना बंद कर देती है। अब हम अगर हम बात करें कि होम्योपैथी में क्या है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत बढ़िया इलाज है अस्थमा को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आपकी जो है पूरी जो है प्रेजेंट कंप्लेंस देखी जाती है, आपके एक्साइटिंग कॉज देखे जाते हैं, इसके अलावा आपकी पर्सनल हिस्ट्री देखी जाती है कि आपको कौन कौन सी डिसीज़ हुई और ये वाली डिसीज़ इस प्रकार से कैसे आप जो है अस्थमैटिक हो गए। तो इस आधार पे कोई सिंगल मेडिसिन आपके लिए सेलेक्ट की जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी अस्थमैटिक जो अटैक है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कई मेडिसिन हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ब्लाटा ओरिएंटालिस, आर्सेनिकम एल्बम, एंटम टार्ट, ऐसी कई मेडिसिन हैं जो बहुत ही बढ़िया वर्क करती हैं अस्थमा की समस्या में। लेकिन जो है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होम्योपैथी जो है इस प्रकार के केसेस में इंडिविजुअलाइज्ड यानी पर्सनल केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको डॉक्टर से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए, उसके बाद जो है उसके गाइडेंस में होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, इस डिसीज़ को ठीक करने के लिए, जैसा कि क्रोनिक डिसीज़ के अंतर्गत आती है, बहुत लंबे समय तक ये बीमारी बनी रहती हैं, तो आपका एक जो है पूरा कोर्स चलता है। इसके अलावा हमें जो है बहुत ज़्यादा खटाई, बहुत ज़्यादा ठंड के एक्सपोजर में रहने से जो है बचना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बीमारी को बढ़ा देती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो आप कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के जो है आपके लिए आपको जागरूक करने के लिए वीडियोस लाते रहते हैं। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उनकी जानकारी बढ़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।